आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। ऐसे में इधर और उधर जाने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसी बीच भाजपा में बड़ी संख्या में जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो पहुंचते हैं। मामला ये है कि कहा जा रहा है कि ईचागढ़ की जो सीट है वो बीजेपी में नहीं बल्कि आसू में चला गया है। इसी बात का विरोध जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं। मालखान सिंह के जो सपोर्टर्स हैं वो बीजेपी कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचे थे कुछ देर में, जो है कुछ देर पहले यहाँ पे प्रदर्शन भी कर रहे थे, नारेबाजी की जा रही थी। हालांकि कुछ देर बाद जो है वार्ता हुई और वार्ता के बाद कुछ जो सॉल्यूशन है वो निकालने की कोशिश की गई। अभी भी देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी है, क्या आप लोग मांग लेकर पहुंचे थे और वार्ता के बाद क्या बात हुई? हम लोग ये मांग लेके आए थे कि ईचागढ़ विधानसभा से अरविंद कुमार सिंह जी को भाजपा का टिकट दिया जाए, और हम अरविंद कुमार सिंह जी के हम लोग समर्थक हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हमने भाजपा का दामन थामा था, और हम चाहते कि उनको ही टिकट मिले और वही ऐसे व्यक्ति हैं जो सीट जीत के आ भी सकते हैं और भाजपा की सरकार बनेगी। फिर मालखान सिंह के भी सपोर्टर हैं एकदम सब, आप जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं ये सब सारे अरविंद कुमार सिंह जी के सपोर्टर हैं, और हमारा एक ही मांग है कि ईचागढ़ से अरविंद कुमार सिंह जी को टिकट दिया जाए, अन्यथा पार्टी वहाँ बुरी तरह हारेगी। हमारा यही मांग है और दिल्ली नेतृत्व हमारी मांग को सुने, और उन्होंने सींचा है ईचागढ़ को, और वहाँ की जनता से जो प्यार है वो किसी और को नहीं मिल सकता है। एक ही विनिंग कॉम्बिनेशन है ईचागढ़ का, वो अरविंद कुमार सिंह प्लस बीजेपी, अन्यथा ये सीट जेएमएम के खाते में जाएगी। एनडीए में ही सीट जा रहा है ना? नहीं, सीट नहीं, तो आसू कभी ये सीट जीती नहीं और आसू कभी नहीं जीत पाएगी ये सीट। अगर भाजपा को ये जीतना है तो अरविंद कुमार सिंह जी को चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा। तो अरविंद कुमार सिंह को चुनाव में उतारना होगा, क्या हो गया? नहीं हुई बात? नहीं हुई अभी तक बात। सीट तो चला गया, आज सुबह कहा जा रहा है अभी तक नहीं गया है, बात चल रहा है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? सीट तो एनडीए में ही रहेगा ना? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि ईचागढ़ विधानसभा का सीट बीजेपी के खाते में आए और अरविंद सिंह के खाते में आए। तो एनडीए का हिस्सा है आसू का, तो बहुत उधर रिकॉर्ड खराब है, जीत नहीं पाएगा। नहीं, ईचागढ़ सीट जीतेगी तो खाली बीजेपी की सीट जीत होगी। आप लोग भी ईचागढ़ से ही आए हुए हैं? ईचागढ़ से हैं, क्या विरोध है आप लोगों का? हमारा मांग यही है कि ईचागढ़ का सीट जो है भाजपा का परंपरागत सीट है और वो भाजपा के पास ही रहे, घटक दल के पास नहीं जाए। एनडीए के पास ही जा रहा है ना सीट? आजसू तो एनडीए का हिस्सा है। तो आजसू तो एनडीए का हिस्सा है, लेकिन आजसू की अपनी जनाधार और अपनी वोट बैंक और अपना संगठन तो बचा नहीं है, और आजसू जो है ईचागढ़ पे मजबूत भी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में वो दिख गया कि एक नई पार्टी आई और उसने लोकसभा में का 38,000 वोट लेकर वो चले गई। आजसू का संगठन भी नहीं है, और बीजेपी की इतनी बड़ी संगठन खड़ी है और ये परंपरागत सीट है, हमेशा बीजेपी यहाँ से लड़ती आई है, जीतती आई है, तो फिर अब हम लोग अचानक से बीजेपी से शिफ्ट करके आजसू को वो सीट क्यों दें? मिलकर तो चुनाव जीत सकते हैं ना, गठबंधन में चुनाव लड़िए तो बीजेपी समर्थन जो है मिलेगा ही, जहाँ पे बीजेपी को टिकट मिला वहाँ आजसू समर्थन दे, यही चलता है ना? ऐसा बहुत देखा गया है कि जहाँ आजसू को टिकट मिलता है वहाँ बीजेपी के संगठन के बल पे आजसू निकल जाती है, लेकिन जहाँ बीजेपी को टिकट मिलता है वहाँ आजसू अपना वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं कराने पाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव में 38,000 वोट जो है जो आजसू का बीजेपी को मिलना चाहिए था वो शिफ्ट करके नई पार्टी जेबीकेएसएस को मिल गया, और आजसू के पास अपना संगठन भी नहीं, इतनी बड़ी संगठन खड़ी है और ये भाजपा की सीट ही रही है, तो अब किस बेसिस पे आप आजसू को टिकट देना चाहते हैं? 2019 विधानसभा चुनाव का भी लिया जा सकता है, जब बीजेपी और आजसू अलग अलग लड़ी थी और दोनों को पड़ा था, वोट बढ़ गया था और दोनों को जो सत्ता गंवानी पड़ी थी। लेकिन अब 2019 के लोकसभा चुनाव 2019 में परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई, भी बदल जाते हैं क्षेत्रीय चुनाव एकदम मुद्दे परिस्थितियां सब कुछ बदल चुकी है। जिस पार्टी झंडा ढोने के लिए ईचागढ़
पार्टी को भाजपा क्यों सपोर्ट करे? जनाधार नहीं है, जनाधार नहीं है, सारी जनाधार उनकी शिफ्ट कर गई है जेबी केएसएस में। तो अब जब बीजेपी वहां से लड़ती आई है, अपनी जनाधार, अपनी पकड़, अपनी संगठन को मजबूत करते आई है, तो आखिरी वक्त पे, एन वक्त पे ये सीट किस बेसिस पे बीजेपी अपने आप को छोड़कर आजसू को दे दे? आप लोग चाह क्या रहे हैं, बात क्या हुई आप लोग? हम लोग यही चाह रहे हैं कि जितने भी प्रबल दावेदार हैं हम लोग सब यहाँ आ जाए। हम लोग प्रदीप वर्मा जी से मिले, करमवीर सिंह जी से मिले, आदित्य साहू जी से मिले और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी से मिले। हमने यही कहा कि आपको किसी को भी टिकट देना है बीजेपी से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टिकट बीजेपी को ही मिलनी चाहिए। वहाँ दिल्ली में सब कुछ निर्णय हो गया है, यहाँ से कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ये बात तो हमने नहीं कहा, ये बात शायद आप कह रहे हैं। कह रहा हूँ, ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि सब कुछ दिल्ली में ही तय हो। इतने दिन से न्यूज के माध्यम से ही ये बातें निकल के सामने आ रही थी कि आजसू को टिकट जा रहा है, इसीलिए हम यहाँ आ पहुंचे। अब ये प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोला है कि हमारी बातें शेष नेतृत्व को वो रखेंगे, अब आगे जो सब फैसला हो, हमने अपनी बातें रख दी है, आगे जो फैसला होगा देखा जाएगा। लेकिन विरोध जो है साफ देखने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि अगर ये सीट आजसू को जाता है तो आजसू का जनाधार नहीं है, सीट गवा सकती है एनडीए। इसलिए ये चाह रहे हैं कि वो सीट बीजेपी को मिले, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उस सीट को जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे और एक सीट जो है विधानसभा चुनाव के दौरान जो है मिल सकता है। लेकिन क्योंकि ये सीट आजसू को जा रहा है, इसी बात का जो है विरोध किया जा रहा है और बड़ी संख्या में इचागर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैनोपसन राजबलम के साथ नीरज कुमार रांची।